खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां एक होटल मालिक का शव उसकी दुकान में पड़ा मिला। मृतक सोनू भदौरिया पिछले 3 दिनों से अपने परिजनों से संपर्क में नहीं था। गुरुवार को जब उसका चचेरा भाई गौरव रेस्टोरेंट पहुंचा तो होटल का शटर बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। दुकान के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनू भदरिया शटर के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ था। दुर्गंध आ रही थी और उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। सोनू की मौत हत्या है या वह किसी हादसे का शिकार हुआ है, इस बारे में परिजन भी कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। हजीरा पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना क्या, सवेरे मेरे मामा के लड़कों को फोन आया कि सोनू भदौरिया, इनका फोन ही लग रहा 2-3 दिन से, इनका पता पाड़ो। तो मैंने कहा घर पे गया, घर पे फोन लगा नहीं इनका, वो गेट बंद था। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ देखा तो ताला लगा था और खुला हुआ था, शटर बंद थे और स्मेल आ रही थी। उसके बाद हमारे जहाँ परिचित निकले टमटम वाले, उनको बताया तो वो भी कह रहे कि मक्खियाँ लग रही हैं, गड़बड़ है कुछ ना उसमें। फिर मैंने अपने मामा के लड़कों को बुलवाया, वो आए, उनको उनने देखा तो एक लड़के ने उसमें झाँक के देखा तो दिखाई दे रही बॉडी के पैर दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमसे थाने गए, थाने में बताया सब। दुकुल पार्क के पास में एक अन्नास होटल है, उसके मालिक है सोनू भदौरिया। तो उनके घर वालों ने आके यहाँ सूचना दी है कि वो अंदर से अंदर पड़े हुए हैं पलंग पर और बदबू आ रही है। तो उनके घर वालों के सूचना पर से अपन ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। बाकी जो जांच में आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी।